बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। पुराने जमाने में लोग खाना खाने के बाद सौंफ या फिर गुड़ का सेवन जरूर करते थे। आज भी अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएं तो आपको खाना खाने के बाद सौंफ जरूर सर्व की जाती है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि उस सौंफ के क्या क्या फायदे हैं। हम इतना तो जानते हैं कि सौंफ खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है या हमारे लिए ये माउथ फ्रेशनर का काम करती है, लेकिन दोस्तों ये सौंफ सिर्फ इस बात तक ही सीमित नहीं है। आपके शरीर में अगर बीमारियां हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपके बाल झड़ते हैं, कैंसर की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, गैस है, जोड़ों में दर्द है, खून की कमी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप सौंफ को सही ढंग से खाते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। ये जो सौंफ हमारी किचन में है ये सिर्फ एक मसाला या एक चाय में डालने वाली चीज नहीं है। सौंफ एक औषधि है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हरिद्यम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने लिखा था, वो सौंफ के बारे में कहते हैं कि सौंफ हमारे लिए अद्भुत है। शायद ये एक ऐसी औषधि है जो शरीर की हर बीमारी को सही कर सकती है। इसमें इतने गुण हैं आप सोच भी नहीं सकते। चलिए शुरुआत करते हैं सौंफ के गुणों के बारे में और जानते हैं सौंफ का इस्तेमाल कैसे करना है। फ्रेंड्स, क्या आप हाई क्वालिटी में वीडियोस एडिट करवाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर, और बचाना चाहते हैं अपना कीमती समय ताकि आप ढेरों वीडियोस बना पाए, तो आज ही हमें ईमेल करें eservices@ytadvice.com पर। दोस्तों, सौंफ का इस्तेमाल आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सुबह खाली पेट और दूसरा रात को खाना खाने के बाद। सबसे बढ़िया है रात को खाना खाने के बाद इसका सेवन। जब भी आप खाना खाएं तो खाने के बाद एक चम्मच सौंफ का सेवन अगर आप हर रोज नियमित करते हैं तो इससे आपको जो फायदे होंगे, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला इसका फायदा है डाइजेशन। हम लोग जानते हैं कि डाइजेशन के लिए यह बहुत अच्छी है, क्योंकि यह फाइबर से भरपूर है। हमारे डाइजेशन को यह बहुत अच्छा करती है। लीवर में बाइल जूस की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे हमारा खाना बहुत तेजी से पचता है। शायद आप ये चीज नहीं जानते होंगे कि शरीर के अंदर की बीमारियों का मुख्य कारण हमारा इनडाइजेशन ही है। अगर डाइजेशन सही हो जाए तो कई बीमारियां सही हो सकती हैं, जैसे कि हेयर फॉल। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपको नहीं पता होगा इसका कारण आपका इनडाइजेशन ही है। इनडाइजेशन कैसे है? अगर आप जो खा रहे हैं अगर वो अच्छे से पचेगा ही नहीं तो उसके अंदर के न्यूट्रिशन आपको कहां से मिलेगा? और वही न्यूट्रिशन आपके बालों को चाहिए। आपके बालों को विटामिन ई चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ये सारी चीजें आपके बालों की जड़ों को मजबूती देंगी। लेकिन अगर हमारा डाइजेशन ही सही नहीं है तो हमारा खाना पचेगा ही नहीं, जिससे हमारे बाल झड़ने लगेंगे। तो इनडायरेक्टली आपके बाल झड़ने का कारण आपका इनडाइजेशन है। लेकिन आप लोग हो सकता है हेयर फॉल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल ऑयल, कंडीशनर, क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसे बताया जाता है कि शायद इन चीजों को लगाने से कुछ जादू हो जाएगा, शायद इन चीजों को लगाने से हमारे बाल झड़ने रुक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपके बाल झड़ने का कारण आपके जड़ों को न्यूट्रिशन ना मिलना है। ये न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? जब आप अच्छा खाना खाएंगे या आपका खाया हुआ खाना अच्छे से पचेगा। तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है, पहला अच्छा खाना खाएं और दूसरा खाना अच्छे से पचना चाहिए। अगर आप खाना अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पच नहीं रहा तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर अच्छे से नहीं पच रहा तो सौंफ खाइए। अच्छा खाना खाने के बाद अगर आप सौंफ खाते रहेंगे तो आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। अच्छा खाना कौन सा? आपको फल खाने हैं, सब्जियां खानी हैं, स्प्राउट्स खाने हैं, सैलेड खाना है, अनाज जितना कम से कम हो सके, दालें जितनी कम से कम हो सके उतना कम से कम इसका इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा आप लिविंग फूड खाएं, जैसे फल खाएं, सब्जियां खाएं, स्प्राउट्स, और आप सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ का अगला फायदा है मोटापा खत्म करता है। मोटापे के लिए आपको कुछ नहीं करना। कुछ लोगों को लगता है कि मोटापा सही करने के लिए हमें जिम जाना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना। मोटापा खत्म करने के लिए आपको खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ का खाना है, क्योंकि सौंफ हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बूस्ट करती है, हमारे डाइजेशन को सही करती है, जिससे मोटापा अपने आप कम हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना। बैठे बिठाए अगर वजन कम करना है तो खाना खाने के बाद रात को एक चम्मच सौंफ का जरूर खाइए। इससे 5 से 10 किलो तक वजन आप एक महीने में कम कर सकते हैं, वो भी बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग की। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे साथ में, अगर आप एक चम्मच सौंफ का खाते हैं तो आपका कभी मोटापा नहीं बढ़ता। मोटापा उन्हीं लोगों को होता है जिनका मेटाबॉलिज्म रेट कम है। इसे बढ़ाने के लिए सौंफ सबसे अच्छा है।
कैंसर जैसी बीमारी तक को ये सौंफ खत्म करती है। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। सौंफ का सेवन करने से आपको जिंदगी में कभी भी कैंसर नहीं होता। यही कारण है कि पुराने जमाने में किसी को कैंसर था ही नहीं, क्योंकि पुराने जमाने में हर इंसान सौंफ का सेवन जरूर करता था, इसलिए उनको कभी कैंसर नहीं होता था। और दूसरा कारण है, वो लोग कभी भी पैकेट बंद चीजें नहीं खाते थे। वो लोग बिस्किट, भुजिया, लेज, चिप्स, कुरकुरे कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि उस समय पर ये चीजें थी नहीं। जब से ये चीजें आनी शुरू हुई हैं, तब से ही कैंसर बढ़ गया है। पुराने जमाने में कैंसर सिर्फ उन्हीं लोगों को होता था जो लोग बहुत अमीर थे, जो लोग डिब्बा बंद पैकेट बंद चीजें खाते थे। लेकिन आजकल हर इंसान ये चीजें खाता है, इसीलिए ये बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं। रात को सौंफ का सेवन अगर आप करके सोते हैं तो इससे आपके शरीर में से खून की कमी दूर होती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। खून की कमी होने पर भी ढेरों बीमारियां होती हैं, जैसे कि सिर में दर्द रहना, आपको चक्कर आना, शरीर में कमजोरी रहना, अगेन बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी कमजोर होना, किडनी पर इफेक्ट। शरीर के हर एक अंग पर इफेक्ट पड़ता है अगर आपके शरीर में खून की कमी है। लेकिन डॉक्टर आपको इसके बारे में नहीं बताता। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो वो आपको बाल झड़ने की दवाई देगा। अगर आपकी आंखों की रोशनी कम है तो चश्मा लगा देगा। अगर आपकी किडनी में कमजोरी है तो उसके लिए दवाई देगा। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि सबका कारण सिर्फ एक है। आयुर्वेद की यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आयुर्वेद में सभी बीमारियों को तीन दोषों से ही जोड़ा गया है, वात, पित्त और कफ। क्योंकि आयुर्वेद जानता है कि सभी बीमारियां कहीं ना कहीं एक चीज से ही कनेक्ट होती हैं। लेकिन पता नहीं आज का विज्ञान पागल है या आज का विज्ञान हमें पागल बना रहा है, क्योंकि सारी बीमारियां कहीं ना कहीं एक चीज से ही कनेक्ट होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, खून की कमी। अब शरीर में अगर खून ही कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आंखों की रोशनी, आपका लो ब्लड प्रेशर, कितनी बीमारियां आ जाएंगी। लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर हर चीज के लिए अलग दवाई देगा, लेकिन आपको सिर्फ खून की कमी को दूर करना है। रात को सोने से पहले एक चम्मच सौंफ का जरूर खाएं, खून की कमी दूर होगी। अगर आपका दिमाग तेज नहीं है, अगर आपकी मेमोरी वीक है, बच्चों को याद नहीं रहता, तो सौंफ का सेवन कीजिए। रात को खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ खाने से दिमाग बहुत तेज हो जाता है। अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सौंफ की एक रेमेडी तैयार करनी होगी। आपको तीन चीजें चाहिए, सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री। तीनों चीजों को आपको बराबर मात्रा में लेकर तीनों का पाउडर बना लेना है, और रात को सोने से पहले एक गिलास दूध के साथ आपको एक चम्मच इस पाउडर का लेना है। आई साइट आपकी एक महीने में भरनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी आंखों पर चश्मा लग चुका है तो 6 महीने में वो चश्मा गारंटीड उतर जाएगा। आपको बस अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सौंफ, बादाम और मिश्री का सेवन करना है। इतना ही नहीं, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आप हरी चीजों को देखें, हरे पेड़ों को, हरे पौधों को देखें। जितना आप कुदरत को देखते रहेंगे उतनी आंखों की रोशनी बढ़ती रहेगी। ये रिसर्च में साबित हो चुका है, इंसान जितना हरी चीजों को देखता है उतना ही आंखों को पावर मिलती है। इसीलिए कुदरत ने हर चीज का रंग हरा बनाया, ताकि हम लोग हरी चीज को देखें, हमें एनर्जी मिले। अगर आप हरे रंग को देखते हैं तो आपका स्ट्रेस भी दूर होता है। आपने महसूस किया होगा, जब आप कुदरत को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है। ये जो खुशी की लहर है, ये खुशी के हार्मोन्स हैं। इन हार्मोन्स को बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करना चाहते हैं, तो हरी चीजों को देखिए, साथ में सौंफ का सेवन कीजिए। आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ेगी। लीवर के लिए सौंफ सबसे अच्छी है। लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, जितनी भी लीवर की बीमारियां हैं, इसके लिए सौंफ बहुत अच्छी है। सौंफ खाने से लीवर के अंदर बाइल जूस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए आप सौंफ का सेवन खाना खाने के बाद जरूर करें। पेट में गैस की प्रॉब्लम होने पर सौंफ का सेवन आप कर सकते हैं। सौंफ के सेवन से गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम लगती है, लेकिन दोस्तों गैस की प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये गैस अगर आपके सिर को चढ़ जाए तो आपके सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। यही गैस अगर आपके घुटनों में चली जाए तो घुटनों में दर्द हो सकता है, बाजू में चली जाए तो बाजू में दर्द। ये शरीर में दर्द पैदा करती है। गैस को आयुर्वेद में वात कहते हैं, यानी कि अगर आपके पेट में, अगर आपके शरीर में गैस बढ़ती है तो इसे वात दोष कहते हैं। इस दोष के होने पर आपके शरीर में गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके शरीर में दर्द पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए आप गैस की प्रॉब्लम को छोटा मत समझें, पेट में गैस कभी मत पैदा होने दें। इसके लिए आप रात को खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम सौंफ के जरिए अपने शरीर की कितनी बीमारियां खत्म कर सकते हैं।
ये तो दोस्तों सिर्फ सौंफ के बारे में है। हमारे घर की किचन में ढेरों ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं, जैसे कि अजवायन, लौंग, इलायची, मेथी का दाना। इन सभी चीजों का अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल समझ गए तो हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। एक सबसे बड़ी गलती जो आजकल हम लोग कर रहे हैं वो है धूप में ना निकलना। अगर हम लोग धूप में नहीं निकलेंगे तो हमारे शरीर को विटामिन डी कहां से मिलेगा? अगर विटामिन डी हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो हमारी हड्डियां और हमारे दांत तो कमजोर होंगे ही, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझते। हम लोग इंडोर जनरेशन हैं, हम लोग घरों के अंदर रहते हैं, कमरों में रहते हैं, धूप में बिल्कुल नहीं निकलते। हमें लगता है शायद धूप में निकलने से हमें सन टैन हो जाएगा। दोस्तों आपको दिन में कम से कम 30 मिनट धूप में जरूर निकलना चाहिए। दोपहर की धूप में ना निकलें, सुबह के समय जब सनराइज हो रहा है या शाम के समय जब सन अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय आप 30 मिनट सूर्य की धूप में निकलें। उस धूप को अपने शरीर पर लगने दें, कम से कम कपड़े पहने ताकि धूप आपके शरीर को टच करे। जब वो आपके शरीर को टच करेगी तो हमारे शरीर में ये प्रॉपर्टी है कि वो जो धूप है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सेम उसी तरह है जिस तरह पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। पेड़ पौधों को अगर धूप ना मिले तो वो अपना खाना नहीं बना पाते, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में पेड़ पौधों की भी तबीयत खराब होने लगती है। उसी तरह से हम इंसान भी धूप के बिना नहीं रह सकते। अगर हम रहेंगे तो हमारे शरीर में विषैले तत्व पैदा होने लगेंगे, हमारे शरीर में वायरसेस और बैक्टीरियाज बढ़ने लगेंगे, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। इसलिए हमें सूर्य की धूप में जरूर निकलना चाहिए। जो लोग 30 मिनट सूर्य की धूप में निकलते हैं उनको कभी भी कैंसर नहीं होता, क्योंकि कैंसर की कोशिकाएं तभी पैदा होती हैं जब हम लोग धूप में नहीं निकलते। तो इसलिए हमें धूप में निकलना चाहिए, हमें कुदरत से जुड़े रहना चाहिए। जो लोग कुदरत से जुड़े रहते हैं वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो लोग कुदरत के ज्यादा नजदीक हैं, और जो लोग शहरों में रहते हैं वो लोग कुदरत से कोसों दूर हैं। शहरों में तो किसी घर में आपको पौधा तक नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में आपको आज भी पेड़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे सौंफ के जरिए हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।